सादगी के रूप में जो अपने आप को बता रही है और समाज में द्वेषता फैला रही है, उसको अगर हम कांग्रेस में ज्वाइन करा रहे हैं तो हमारी कांग्रेस की विचारधारा का क्या होगा। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, शर्ते लागू। भाई को भाई से लड़ाने की बात नहीं है, मुस्लिम की कट्टर विरोधी है और इसके अलावा उन्होंने जो है समाज के अंदर किसी ना किसी रूप में द्वेष का फैलाने की भावना भड़काऊ भाषण के रूप में यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे और उनके विभिन्न जो है कार्यक्रमों में आपको उपलब्ध होंगे। ऐसी महिला को जो हमें उन्होंने टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा संदेश मिला है कि अनादि सरस्वती को जो है कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं, जब से ही मेरे पास कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं, जब सुबह फोन आया जिसकी बता रहा हूँ, अभी इस वक्त करा चुके हैं उन्होंने करा रहे हैं और मुस्लिम भाइयों के साथ साथ मेरे पे विभिन्न लोगों का फोन आया और उन्होंने अपनी बात रखी कि ऐसी महिला को अगर हम साध्वी के रूप में जो अपने आप को बता रही है और समाज में द्वेषता फैला रही है, उसको अगर हम कांग्रेस में ज्वाइन करा रहे हैं तो हमारी कांग्रेस की विचारधारा का क्या होगा। कांग्रेस सभी समाज और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस में कभी भी नहीं हुआ कि हमने किसी जाति विशेष का विरोध किया है। बात टिकट की भी नहीं है, टिकट आप किसी को भी देवें, कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता 30-40 साल से काम कर रहे हैं, चाहे सिंधी के रूप में हो, चाहे वैश्य के रूप में हो, चाहे राजपूत के रूप में हो या किसी भी समाज में हो, हम कह रहे हैं किसी भी समाज की हो, कांग्रेस परिवार का व्यक्ति अगर हो और उसको अगर आप टिकट दें तो हम उसको 100% स्वीकार करेंगे। और जो कार्य ऑलरेडी हमारे यहाँ सालों से जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं उस चीज़ पर विराम लगाते हुए हम एक नए व्यक्ति को अगर इस चीज़ के लिए पात्र माने तो उसका भी पुरजोड़ तरीके से हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ विरोध करते हैं और सारे कार्यकर्ताओं का एक आवाज़ में, एक सुर में ये कहना है कि ऐसे व्यक्तित्व को कांग्रेस में किसी भी कीमत पे शीर्ष नेतृत्व को शामिल नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैंने अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासा जी को भी फोन किया था, कोई नॉमिनेशन फाइल कराने गए, उनके पीए को हमने अवगत करा दिया है, हमने अवगत करा दिया हमारे शीर्ष नेताओं को भी और मेरे पास जिनके फोन आए उनको भी कि अगर इस तरह की कल मैसेज था कि बैठक बुलानी है, फिर आप सुने उनका फोन आया तो मैंने ठीक है 12 बजे कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक बुला रहे हैं, लेकिन इस बैठक में एक विशेष हमारे बीच में सब्जेक्ट आया कि जो भारतीय जनता पार्टी में भी कट्टर, जिसे कहना चाहिए जातिवाद के विरोध में बोलने वाली रितंबरा जी और उमा भारती जी की तर्ज पर अजमेर में अनादि सरस्वती जो है यहाँ बैठी हुई है, जिन्होंने हमेशा भाई को भाई से लड़ाने की बात की है, मुस्लिम की कट्टर विरोधी है और इसके अलावा उन्होंने जो है समाज के अंदर किसी ना किसी रूप में द्वेष का फैलाने की भावना भड़काऊ भाषण के रूप में यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे और उनके विभिन्न जो है कार्यक्रमों में आपको उपलब्ध होंगे। ऐसी महिला को जो हमें यहाँ अभी टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा संदेश मिला है कि अनादि सरस्वती को जो है कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं, जब से ही मेरे पास कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं, जब सुबह फोन आया जिसकी बता रहा हूँ, अभी इस वक्त करा चुके हैं उन्होंने करा रहे हैं और मुस्लिम भाइयों के साथ साथ मेरे पे विभिन्न लोगों का फोन आया और उन्होंने अपनी बात रखी कि ऐसी महिला को अगर हम साध्वी के रूप में जो अपने आप को बता रही है और समाज में द्वेषता फैला रही है, उसको अगर हम कांग्रेस में ज्वाइन करा रहे हैं तो हमारी कांग्रेस की विचारधारा का क्या होगा। कांग्रेस सभी समाज और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस में कभी भी नहीं हुआ कि हमने किसी जाति विशेष का विरोध किया है, लेकिन व्यक्ति अगर गलत हो, उसकी विचारधारा गलत हो और समाज के अंदर द्वेषता, कूटता
और अराजकता फैलाने की अगर उसकी रीति नीति हो, उस पृष्ठभूमि की महिला चाहे साध्वी के रूप में हो, चाहे किसी भी पद पर बैठी हो, उसको कभी भी कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। और अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है, हम इस बात को इस मन से इसलिए रख रहे हैं कि हमारे बीच में प्रभारी जी हैं, आप भी संदेश दें कि जो इस तरह के हैं, आज हमारे बीच में और भाई भी बैठे हैं, उनके यूट्यूब पे भी आप कहीं जो है सीडी देख सकते हैं, कई वीडियो की।